सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक सिंपल से कुर्ते को डिज़ाइनर लुक कैसे दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मेरा कुर्ता है, ये भी मैंने स्टिच नहीं किया है। ये फ्रंट पार्ट है मेरे कुर्ते का, नेक मैंने बनाया हुआ है। इस पर मैं एक जैकेट का लुक दूंगी जो सिर्फ फ्रंट पार्ट पे ही बनेगी। सबसे पहले हम एक न्यूज़पेपर लेंगे, ये डबल है, और इस पर ही हम अपनी जैकेट की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर एक आधा इंच छोड़ दें और यहाँ से ड्राफ्टिंग शुरू करें। शोल्डर हम लेंगे 14 का हाफ यानी कि 7। अब हम आर्म होल लेंगे 7.5 को जितना कुर्ते में लिया होगा। यहाँ एक लाइन खींच लें बराबर करें। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे, कुर्ते में हमने 3 ली थी, यहाँ हम 1 इंच एक्स्ट्रा मतलब 4 लेंगे। अब हम लंबाई लेंगे, लंबाई हमने कुर्ते में ली थी 7, लेकिन इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 8। इसको मिला देंगे। अब हम इसको शेप देंगे, गोल शेप। ये जैकेट की लेंथ है 15 तक हम निशान लगाएंगे। और अब यहीं से हम अपने जैकेट की शेप देंगे। जैसे भी आपको शेप चाहिए आप सीधी भी बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें जैकेट। अब हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए आप इस पे कुर्ता रख लीजिए, आर्म होल कुर्ते जैसे ही आर्म होल की शेप आनी चाहिए। इसको बराबर कर लीजिए। इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको खोलेंगे और बीच में से भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये कट चुका है, अब हम इसे कपड़े पे रख के कपड़ा कट करेंगे। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस पे रख लीजिए और कट कर लीजिए। एक पार्ट हमारा कट चुका है, अब हम दूसरा काटेंगे। से हम सीधे कपड़े पे उल्टा रखेंगे इस पार्ट को। ताकि हमारे दोनों पार्ट निकल जाएं, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारे दोनों साइड के पार्ट कट चुके हैं,
ये कुछ इस तरह से आएंगे। ये देखिए मुड्ढा बिल्कुल इसका बराबर आया है। अब हमें क्या करना है, इस पे आप पाइपिंग लगाएंगे। गले से लेके हम पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने पाइपिंग काट ली है, अब हम इसे स्टिच करेंगे। अब आप इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे। आप उतना ही मोड़ें जितनी पतली आपको पाइपिंग चाहिए। ये देखिए हमारी पाइपिंग लग चुकी है। ये कुछ इस तरह रखे जाएंगे। आप यहाँ पे बटन्स लगा सकते हैं या लटकन लगा सकते हैं। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसके शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अब हम इसमें कुर्ते की बैक साइड का शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने ये शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, अब हम इसकी फिटिंग करनी है। गाइस ये हमारा कुर्ता बनके तैयार हो गया है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।